अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे हैं हिलाल भाई अकेले वीडियो कर रहा है, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि यूनिस भाई जो है वो बाहर गए हैं। हमने बहुत टाइम के बाद आज वीडियो स्टार्ट किया है, तो हमने सोचा था गुलमर्ग में स्नो हुई है तो हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं कि कितनी स्नो हुई है। तो आपको आज पूरा गुलमर्ग दिखा दिया। आज है डेट, आज का डेट है 29। हाँ, आज है डेट 29 जनवरी। अब आपको पूरा गुलमर्ग का नज़ारा दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको नज़ारे दिखाएंगे हम गुलमर्ग के स्नोफॉल के बाद, तो एंजॉय करें और व्लॉग जो है वो लास्ट तक जरूर देखें। स्नो हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए रोड क्लियर है, फिर भी हमें चेन लगानी है। चलो दानिश भाई फॉलो चेन। आपको खाली कश्मीर में नजर आते हैं, और खासकर में जब गुलमर्ग में ऐसी बर्फ गिरी हो तो नज़ारे कुछ जबरदस्ती देखने को मिलते हैं। ये देखिए फॉग भी कितना है। जब इससे पहले जनवरी में हम गुलमर्ग आया करते थे तो 5-6 फीट की बर्फ होती थी, और आज देखिए सड़क भी खाली 3-4 इंच से बस। ये देखिए, तो अभी हम गुलमर्ग के गेट पे पहुंचे हैं, तो अभी हम आपको दिखाएंगे सारा गुलमर्ग का व्यू अंदर कैसा लग रहा है आज गुलमर्ग स्नो में। तो फाइनली 2 महीने के बाद गुलमर्ग में ऐसा व्यू देखने को मिल रहा था जिसके लिए लोग जो है वो तरस गए थे। माशाल्लाह, देखिए स्नो में कैसा लग रहा है गुलमर्ग। इसीलिए इसको विंटर वंडरलैंड कहा जाता है। ये सच में विंटर वंडरलैंड है। नॉर्मली जनवरी में गुलमर्ग में जो है फुल बुकिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन कुछ महीनों से जो बर्फ नहीं की वजह से बुकिंग जो है सारी कैंसिल हो गई थी। तो अब उम्मीद है लोग जो है दोबारा से आना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी परफेक्ट टाइम है। अगर आपको कश्मीर आना है तो आप इस टाइम आ सकते हो, और गुलमर्ग के खुद